गुड आफ्टरनून सिक्स क्लास। आज की सोशल स्टडीज़ की क्लास में हम ज्योग्राफी के पार्ट पाँच भारत का आकार एवं स्वरूप को पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। भारत की 70% आबादी जो है वो कृषि पर निर्भर करती है। विश्व मानचित्र में, मतलब कि संसार के मैप में क्षेत्रफल के हिसाब से भारत जो है वो सातवां सबसे बड़ा देश है। भारत विश्व मानचित्र में विशिष्ट स्थान रखता है, मतलब कि एक अलग स्थान रखता है। इसका मुख्य कारण क्या है? भारत की जलवायु, इतिहास और संस्कृति। भारत को प्रकृति ने अनेक उपहार दिए। कौन कौन से उपहार दिए हैं? वनस्पति, वन, जल, खनिज और जलवायु। भारत की अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत क्या है? कृषि ही है। देखिए बच्चों, अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थव्यवस्था होती है किसी देश का वह पूरा तंत्र जिसमें व्यापार, उत्पाद व उपभोग से संबंधित सभी क्रियाकलाप आते हैं। ठीक है, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत है वो क्या है? कृषि है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के कुछ प्रमुख स्रोत अवश्य होते हैं। कोई देश कृषि उद्योग अथवा वैज्ञानिक अनुसंधानों के आधार पर ही अपनी रणनीति तय करता है। रणनीति मीन्स किसी लक्ष्य के प्राप्ति के लिए बनाई गई कार्य योजना। ये तीन ही किसी देश की अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ होते हैं। मतलब कि ये जो तीनों चीज़ें होती हैं, कृषि उद्योग अथवा वैज्ञानिक अनुसंधान, ठीक है, ये जो है किसी देश की अर्थव्यवस्था के आधार स्तंभ होते हैं। मतलब कि किसी देश की अर्थव्यवस्था जो है वो इन्हीं पर जो है खड़ी होती है। भारत का आकार एवं आकृति। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक भारत की चौड़ाई लगभग 3000 किलोमीटर एवं उत्तर में कश्मीर से दक्षिण के कन्याकुमारी तक इसकी जो लंबाई है वो 32 किलोमीटर है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत को विश्व में एशिया उपमहाद्वीप कहा जाता है। भारत विश्व क्षेत्रफल का लगभग 2.5% भाग है। जो भारत का विश्व क्षेत्रफल जो है वो कितना है? 2.5% भाग है लगभग। अब देखिए, हम समझेंगे इनकी भौगोलिक असमानताएं। भारत को भौगोलिक आधार पर 5 विभिन्न भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी? पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा उत्तर का मैदान, तीसरा मरुस्थल, चौथा दक्षिण का पठार और पांचवा समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में। हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार कश्मीर से भारत के उत्तरी भाग में चलते हुए पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर तक है तथा लद्दाख से पीर पंजाल तक है। हिमालय पर्वत की 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी? शिवालिक पर्वत श्रृंखला, लघु हिमालय श्रृंखला और महाहिमालय श्रृंखला। ठीक है, तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे शिवालिक पर्वत श्रृंखला के बारे में। यह श्रृंखला अधिक ऊंचे पर्वतों की नहीं है। मतलब कि ये जो श्रृंखला है ये अधिक ऊंचे, मतलब कि ज़्यादा ऊंचे पर्वतों की नहीं है, परंतु इस श्रृंखला में मध्य आकार के पर्वत बहुतायात में हैं। मतलब कि यहाँ पर मध्य आकार के, बीच के आकार के पर्वत जो हैं वो बहुत हैं। यह पर्वत श्रृंखला हिमालय के दक्षिण भाग में स्थित है। यह पर्वत श्रृंखला रेतीली है एवं इनकी ढलानों पर विस्तृत वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये वन अत्यंत उपयोगी लकड़ियों से भरे पूरे हैं एवं यहाँ पर शेर, हाथी इत्यादि जानवरों से ये जो वन है भरा हुआ है। इन पर्वतों की औसत ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से 1,250 मीटर है। मतलब कि समुद्र तल से जो इन पर्वतों की ऊंचाई है, मतलब कि यहाँ देखिए आप, ये पठार है, सॉरी ये
जो है पहाड़ है, समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1250 मीटर। यह क्षेत्र दून घाटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके अंतर्गत देहरादून का क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र में घने वन पाए जाते हैं, इसे तराई का मैदान भी कहा जाता है। यहाँ बड़ी बड़ी और ऊंची घास के मैदान भी होते हैं। यह क्षेत्र सदा हरा भरा रहता है, ठीक है, यहाँ के क्षेत्र में हमेशा हरियाली रहती है। तो देखिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आज का आपका होमवर्क है, जहाँ तक मैंने ये आपको चैप्टर पढ़ाया है, आपको दोबारा रीड करना है ये चैप्टर, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। थैंक यू।